अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम कासिम है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेब डेवलपमेंट के बारे में। मुझसे बहुत सारे दोस्त रابطہ करते हैं और वो पूछते हैं कि हम कहाँ से इब्तिदा करें, कहाँ से आगाज़ करें अपनी इस ऑनलाइन जर्नी का। और इस वीडियो में स्पेशली मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं कम से कम। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अभी अपना ग्रेजुएट, डिप्लोमा या जो भी कोर्सेज वगैरह IT के कम्प्लीट कर चुके हैं, उनके लिए ख़त्म नहीं है। जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, जो कि एज अ डेवलपर किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं वगैरह वगैरह, जो शख्स अपनी ज़िंदगी का जो प्रोफेशन है IT उसको सिलेक्ट करना चाहता है और इससे आगाज़ करना चाहता है, तो उसके लिए मैं कुछ टिप्स और कुछ हिंट्स आपको बताना चाहता हूँ जिससे आप कम अरसे के अंदर कम से कम सीख सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली आज का जो दौर है, इवन के IT, हालांकि इसका बहुत गहरा ताल्लुक है एजुकेशन से, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर आप कोई कोर्स कर भी लेते हैं, अगर आप कोई डिप्लोमा कर भी लेते हैं, अगर आपकी एजुकेशन कंप्लीट भी हो चुकी है और वो सब जो है ना IT के हवाले से आपके पास तमाम सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं, फिर भी आपको जॉब मिलने के लिए, फिर भी आपको फ्रीलांसिंग करने के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, आप इजीली इस फील्ड के अंदर सक्सेस नहीं पा सकते। एक एवरेज जो मैं आपको एज बता रहा हूँ स्टेबल होने के लिए किसी को भी लगती है, वो 2 से 2.5 साल के बराबर है। ये जो मेरा पर्सनल अपना एक्सपीरियंस है, मैंने इन चीज़ों को देखा है कि कम से कम 2-2.5 साल लगते हैं। तो जब भी आप एज अ डेवलपर, एज अ कोडर, एज अ प्रोग्रामर आप इस फील्ड को ज्वाइन करें, तो अपने माइंड में आप ये रख लें आपको 2-2.5 साल कम से कम लगने वाले हैं। आप अगर आज आपकी कहीं जॉब लगी, आज आपको इंटर्नशिप मिली है, या आज आपने कहीं से भी इब्तिदा की है, तो ये आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि इतना अरसा आपको लगेगा। क्योंकि नॉर्मली लोग 6 महीने बाद डिसाइड होकर छोड़ जाते हैं, उनको पता नहीं होता, या फिर वो ये समझते हैं ये जो सफर है बहुत मुख्तसर होगा, हालांकि ऐसा होता नहीं है। तो नंबर 1, आपने अपने माइंड के अंदर मिनिमम 2 साल आपने रखने, 2 साल आपको इसके अंदर लगेंगे एक अच्छा सैलरी पैकेज, एक अच्छी इनकम बनाने में। जिस तरह मैंने बात की, आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। आप अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट भी, आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं, किसी सॉफ्टवेयर हाउस में अप्लाई करते हैं, तो लोग आपको रिजेक्ट कर देते हैं, जो इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो रिजेक्शन मिलता है आपको। क्योंकि अच्छे डेवलपर्स भी कंपनीज ढूंढ रही होती हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज ढूंढ रहे होते हैं, और दूसरी तरफ वो रिजेक्ट भी करते हैं लोगों को। तो क्या वजह है? रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन क्या ऐसी चीज़ है जो उनके पास नहीं है? और वो है एक्सपीरियंस। सर्टिफिकेट वगैरह इन चीज़ों में ज़्यादा काम नहीं करता, आपका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। तो आज ये जो वीडियो मैं बनाने लगा हूँ ये स्पेशली एक्सपीरियंस के लिए है। और एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए जाहिर सी बात है जो हमारा एक मेंटल अप्रोच हमें लगती है, और वो ये है कि हमें जॉब करनी पड़ेगी, जब तक हम जॉब नहीं करते हमें एक्सपीरियंस हासिल नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल गलत है। आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं जितने लोगों को भी ये बात समझाता हूँ, 90% लोग मेरी बात मानते नहीं है या सुनते नहीं है। आप किसी भी सक्सेसफुल डेवलपर को उसकी हिस्ट्री उठा के जब देखेंगे तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि उस बंदे ने घर पे बैठ के, ऑफिस में बैठ के, या कहीं पे भी उसने अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर ये सारी प्रैक्टिस की है, और इसलिए आज वो सक्सेसफुल है क्योंकि उसने काफी ज्यादा मेहनत की इन चीजों को प्रैक्टिकली लर्न करने की। और उसके लिए जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी कि उसको कहीं अपॉर्चुनिटी मिली, उसने कहीं जॉब की या उसने इंटर्नशिप की, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं आप उनकी स्टोरी उठा के देख लें, इवन इंक्लूडिंग मी, मैंने कभी जिंदगी में किसी इंस्टीट्यूट में कुछ नहीं पढ़ा, मेरा कोई टीचर नहीं जिसने मुझे सिखाया हो। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन। आप फेसबुक पे, आप यूट्यूब पे, आप इन तमाम सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर ग्रुप्स हैं, पेजेस हैं, वेबसाइट्स हैं, आप इनसे सीख सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो आज मैं आपको बेसिक कुछ स्टेप्स बताऊंगा जिसमें आपने रहते हुए अपने आप को एक्सेल करना है। सबसे पहले आपने कुछ वेबसाइट्स को डिजाइन करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप वेब डिजाइनर बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए हिंट है कि आपने जो दुनिया की सबसे बेहतरीन वेबसाइट्स हैं, फॉर एग्जांपल facebook.com है, या फिर अगर हम लोकल बात करें, हमारे पास पार्क व्हील्स है, हमारे पास OLX है, हमारे पास जमीन है, दराज है, आपने एग्जैक्टली इन्हीं वेबसाइट्स का क्लोन बनाना है। क्योंकि जब आप कहीं पे अप्लाई करें और लोग कहते हैं कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, तो आप उनको दिखा सके मेरा पोर्टफोलियो ये है कि मैंने ये चीजें बनाई हैं। अब आप ये सोचेंगे कि इतनी बड़ी वेबसाइट, इतनी मुश्किल वेबसाइट हम कैसे बना सकते हैं? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप इजीली, अगर आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी हुई है तो जाहिर सी बात है 50% आपको आइडिया होगा, थ्योरेटिकल आपने चीजों को स्टडी किया हुआ है, अब प्रैक्टिकल करने का टाइम है। तो आपने सिंपली उनको देखना है, उसका हेडर कैसे बन रहा है, उसका कलर क्या है, उसमें कौन सा CSS यूज हुआ है, आप उसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देख सकते हैं। एग्जैक्टली सेम दराज जैसी आप एक पूरी वेबसाइट डिजाइन कर ले अपने पास। आई नो कि वो 100% सेम आप नहीं बना पाओगे, मे बी पिक्सल परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन कोई इश्यू नहीं है, आपके पास कुछ तो होगा किसी को दिखाने के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए। और चूंकि ये बहुत बड़ी वेबसाइट्स हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की होम पेजेस हैं, आप किसी को भी जब दिखाएंगे कि मैंने एग्जैक्टली इसके जैसा बनाया है, तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आएगा और उसको आप अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हैं। याद रहे, जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी को अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, नॉर्मली जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, हम
ये कहते हैं कि ये हमारी डिग्री है, ये हमारा सर्टिफिकेट है, या ये मेरा नाम है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैंने ये किया हुआ है। सॉफ्टवेयर हाउसेस को, सॉफ्टवेयर कंपनीज को जो सबसे ज्यादा चीज अपील करती है, उनको जो चीज अच्छी लगती है, वो है किसी भी डेवलपर का काम। ना उससे एक्सपीरियंस से फर्क पड़ता है, ना उसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड से फर्क पड़ता है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि उसके पास जो उसकी क्रिएटिविटी है, उसने जो अपना पोर्टफोलियो बनाया पास्ट में, वो क्या क्या किन चीजों पर काम किया, किस प्रोजेक्ट पे उसने काम किया, उसका एक्सपोजर कितना ज्यादा है। तो जब आप इस तरह की अप्रोच के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, खुद से ही आप अपनी वेबसाइट्स को डिजाइन करना शुरू कर दें। आज के दौर में तो बहुत सारे ड्रैग एंड ड्रॉप के टूल्स हैं, आप चीजों को बगैर कोड के भी डिजाइन कर सकते हैं बहुत हद तक। यहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं, आप एक महीने के अंदर कम से कम 4 या 5 वेबसाइट्स इजीली, उनके कम से कम सिर्फ होम पेजेस आप डिजाइन कर सकते हैं। ये नंबर 1 डिजाइनर्स के लिए है जो कि अपना एक छोटा मोटा पोर्टफोलियो बना लें। फिर उसके बाद कुछ वेबसाइट्स हैं, जिस तरह से डेविएंट आर्ट है, इसके अलावा और भी बहुत सारी डिजाइनिंग की वेबसाइट्स हैं, जहां पे behance.com.net भी है। और अगर आप डिजाइन पोर्टफोलियो गूगल पे सर्च करें तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेंगी जहां पे आप साइन अप करेंगे और जो भी डिजाइन आप बनाते जाएं वहां पे अपलोड करते जाएं और आपका एक लिंक बन जाता है। फ्रीलांसिंग मार्केटप्लेस, ये सारा कॉन्सेप्ट तो है ही है, लेकिन अब जो नया दौर है, अब ज्यादातर जो हायरिंग होती है वो पोर्टफोलियो वेबसाइट्स पर होती है और वहां पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हायर करती हैं। तो अगर आप अपना अच्छा पोर्टफोलियो ऑनलाइन बना लें, इवन के बहुत सारे लोग हैं जो कि फेसबुक के अंदर, आपको पता है फोटोज का एक सेक्शन है, वहां पे आप एक एल्बम बनाएं, उस एल्बम के अंदर आप अपना क्रिएटिविटी, अपना कंटेंट आप ऐड करें, पब्लिकली जितने भी लोग आपसे कनेक्टेड हैं वो वहां से भी आपका कंटेंट देख सकते हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम जब कोई डिजाइन भी बनाते हैं हम अपने लैपटॉप में रख देते हैं, फिर हार्ड डिस्क खराब हो जाती है, लैपटॉप टूट जाता है, वो हमारा थोड़ा बहुत जो क्रिएटिविटी हमने कभी की होती है वो भी जाया हो जाती है। तो अपने काम को प्रेजेंट करें, दुनिया को दिखाएं आप क्या बना सकते हैं, उसी की बेस पे आपकी एक्चुअल हायरिंग होती है। अगर एक एक्सपीरियंस डेवलपर को हायर किया जाता है तो इसलिए नहीं हायर किया जाता है कि उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, उसका जो एक्सप्लोजर है उसकी बेस के ऊपर उसको हायर किया जाता है। उससे ये पूछा जाता है कि पहले किस कंपनी में थे, किस प्रोजेक्ट्स पे काम करते थे। ये किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी एम्प्लॉयर के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है और ये बहुत ही सिंपल सादा सा पॉइंट है जिसको बहुत लोग मिस कर जाते हैं। और मिस करने की सबसे बड़ी वजह जो है वो यही है, किसी के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। सबको ये लगता है कि हम जो वेबसाइट बनाएंगे वो बहुत बेकार सी होगी, उसके कलर्स, उसकी स्कीमा, उसके लेआउट, उसका जो साइजेस वगैरह वो मैच नहीं करेंगे। ये फर्क नहीं पड़ता, इससे ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि आपके पास पोर्टफोलियो होना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप अभी अपनी जिंदगी का, प्रैक्टिकल जिंदगी का आगाज कर रहे हैं और आपने आगे चल के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाना है, तो आज से अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू कर दें। जो वेब डेवलपर्स हैं, जो कोडर्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं, उनके लिए github.com, यहाँ पे आप साइन अप करें और उसको स्टडी करें। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे कोर्सेज पड़े हुए हैं, आप उनको स्टडी करें। गिटहब क्या काम करता है, अगेन गिटहब भी एक वेबसाइट है जो कि आपको एज अ डेवलपर प्रोफाइल देती है। वहां पर आप अपनी प्रोफाइल का अच्छे तरीके से जो कोड है उसको नुमाया कर सकते हैं। आप अपनी रिपोजिटरीज बनाते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाते हैं वहां पे और पब्लिकली लोगों के लिए वो कोड रखते हैं, कोई भी उसको इस्तेमाल कर सकता है। और हर डेवलपर की एक प्रोफाइल, जो कि एक अच्छे मैच्योर लेवल के डेवलपर्स हैं, उनकी वहां पे प्रोफाइल बनी जाती है। अगेन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपकी प्रोफाइल बहुत ज्यादा मैटर करती है। सिर्फ फेसबुक की आपकी सोशल प्रोफाइल नहीं, सोशल मीडिया की जो प्रोफाइल है वो भी बहुत मैटर करती है। बहुत सारे लोगों का ट्विटर का अकाउंट नहीं है, फेसबुक का अकाउंट नहीं है और डेवलपर्स को लगता है इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। याद रहे, कनेक्शन से कनेक्शन निकलते हैं। आपके चाचा किसी कहीं कंपनी में जॉब करते होंगे, वो आपकी प्रोफाइल देखेंगे, वहां पे कोई उसका दोस्त होगा वो आपकी प्रोफाइल देखेगा, आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, जब स्टार्ट इंसान कर रहा होता है तो उसको कनेक्शन की जरूरत होती है और कनेक्शन के बाद उसको पोर्टफोलियो की जरूरत होती है। तो ये दो चीजें हैं, आई डोंट नो लोग क्यों नहीं बना। सबसे बड़ा वजह मुझे पता है वो तो यही है कि उनको खुद पे एतमाद नहीं है, उनको ये लगता है कि शायद जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं होगी। बट कहीं ना कहीं से तो आपने शुरू करना है। कोई भी डॉक्टर पैदा नहीं होता, कोई इंजीनियर पैदा नहीं होता, आहिस्ता 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 से चीजें इंप्रूव होती हैं। मैंने ये चैनल बनाया है, मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स करी हैं, आज भी कर रहा हूं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं इंप्रूव कर रहा हूं और एक दिन मेरा ये चैनल बहुत अच्छे लेवल पे जाएगा। तो इसी तरह से आपने भी कहीं ना कहीं से शुरू करना होता है। परफेक्शन के चक्कर में ना पड़े, क्वालिटी के चक्कर में ना पड़े, क्वांटिटी के चक्कर में पड़े। शुरू में आपको सिर्फ आदत चाहिए होती है कोई भी काम करने के लिए। जब आपको आदत पड़ जाती है, फिर वही आपकी आदत आपको रिफाइन करती है, आगे चल के आपकी आदत ही आपको गलतियां नहीं करने देती, आप फिर आहिस्ता आहिस्ता से इंप्रूव होना शुरू हो जाते हैं। जरूरी बात ये होती है कि आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। आप एक पटरी पे आ गए, आपने एक रस्सी पकड़ ली है, अब इसको छोड़ना नहीं है आपने। या तो आपने रस्सी को खींचना है, आपने रस्सी की तरफ जाना है, रस्सी छूटनी नहीं चाहिए। अगर रस्सी छूट जाती है तो फिर दोबारा आपको कहीं से रस्सी पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर उसके साथ चलना आपके लिए बहुत टफ हो जाता है। एक बार आपने माइंड बना लिया,
आपने आईटी के अंदर आना है तो सबसे पहले जो आपने काम करना है, कहीं से भी आपको सीखने को कुछ भी मिलता है, किसी से भी मिलता है, ऑनलाइन भी मिलता है, आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं, आप अपनी वेबसाइट्स डिजाइन करें, आप अपने काम को नुमाया करें, लोगों को दिखाएं कि मुझे ये आता है। उसके बाद जो सेकंड फेज है, जब आपको काम मिलना स्टार्ट होगा, हो सकता है बहुत सारे लोग आपका काम देख के उनको ये लगेगा कि आप बहुत बड़े लेवल का भी काम कर सकते हैं और आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि मेरे साथ हुआ। वो छोटी छोटी चीजें बनाई, लोगों को जब दिखाना शुरू किया, पब्लिश करना शुरू किया, तो लोगों को ये लगा कि मैं बहुत बड़े काम कर सकता हूँ और फिर मुझे लोगों ने काम देना शुरू किया। जब काम देना शुरू किया तो उसके बाद मुझे पता चला कि ये बड़ा काम है, ये बड़ा चैलेंज है, अब इसको भी सीखना है। और सीखते 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 आप कहां से कहां तक आ जाते हैं। तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जब तक आप बहुत बड़े लेवल के, वो होता है डॉक्टरी के अंदर, अगर आप एक अच्छे सर्जन नहीं, अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस नहीं की है तो आप किसी के दिल का ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे रिस्क का जो मेजर है वो बहुत ज्यादा है, कोई मर सकता है, किसी की जान जा सकती है। बट यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सीखें, आप दूसरों से काम लें, आप लोगों को ये कहें कि वो आपको काम दे और आप फ्री में उनको डिजाइन करके देंगे, ठीक है। लेकिन ये सब चीजें करने के लिए जो डेडिकेशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, जिस तरह मैंने कहा। मेन जो लुबे लुबाब है आज इस वीडियो का, वो सिर्फ और सिर्फ यही है, आप कहीं पे भी अप्लाई करेंगे लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे, कोई किसी पेपर को देख के आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई इसलिए एक्सेप्ट नहीं करेगा कि किसी यूनिवर्सिटी का आपके पास लेटर है या सर्टिफिकेट है। लोग आपके साथ इसलिए काम करना चाहेंगे या आपको सिर्फ इसलिए हायर करेंगे कि आपके पास कुछ होगा उनको दिखाने के लिए, जो आप उनको दिखा सके कि मैं ये कर सकता हूं या मैंने ये किया है। सारा मेन पॉइंट यही है। मुझे डेली 4-5 CVs आती है, लेकिन अफसोस की बात है जब उनसे मैं पूछता हूं यार कभी कुछ किया, कोई कहता है सर वो हमारे लैपटॉप में था, वो लाइव नहीं है, कोई कहता है जी सर किया है लेकिन दिखाने का मतलब नहीं बनता, मतलब कोई अच्छा डिजाइन नहीं है। तो कोशिश ये करें, आज से अपना पोर्टफोलियो बनाएं, आज से डिजाइन करना शुरू कर दें। जो भी आप काम करते हैं, आप डेवलपमेंट करते हैं, आप SEO करते हैं, आप मार्केटिंग करते हैं, जो भी आप चीजें करते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं, आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस दिखाएं लोगों के अंदर। आप देखें वेस्ट के अंदर या बाकी तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर जो भी आपको डेवलपर मिलता है, जो भी आपको डिजाइनर मिलता है या मार्केटर मिलता है, उसकी ऑनलाइन जो प्रोफाइल होती है वहां से नजर आता है, वो टाइम टू टाइम उसको अपडेट करता है, अपना कॉन्टेंट वहां पर रखता है, और जब हम उसकी प्रोफाइल देखते हैं तो नजर आता है 10 साल से ये बंदा काम कर रहा है। अब जरूरी नहीं है कि वो 10 साल से प्रोफेशनल ही था, जरूरी नहीं है कि वो 10 साल से बहुत महान डेवलपर था, बिल्कुल जरूरी नहीं है। हो सकता है 10 साल पहले या 5 साल पहले भी वो एक अनाड़ी डेवलपर था, बट जरूरी बात यह कि वो स्ट्रगल कर रहा था, वो सीख रहा था। हम लोग भी करते हैं, हम लोग भी एग्जैक्टली उन्हीं की तरह ही चलते हैं, हम लोग भी वैसे डेवलपमेंट सीखते हैं, करते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। बस प्रॉब्लम यह है कि हमें अपॉर्चुनिटीज कम मिलती हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि हम अपने काम को नुमाया नहीं करते। हम अपना जो काम है, जो हमारी काविश है, जो हमारा कोड है, जो हमारा डिजाइन है, जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन है, वो सारी चीज़ों को हम छुपा के रखते हैं, हम दुनिया के सामने नहीं लेके आते। आप कुछ भी काम करते हैं आप उसे पब्लिश कर दें, इवन अपने सोशल मीडिया के ऊपर डाल दें। आपने कुछ भी डिज़ाइन किया, मैं कुछ भी डिज़ाइन जब करता हूं मुझे अच्छा लगता है मैं उसको अपने पर्सनल प्रोफाइल पे डाल देता हूं। बहुत सारे लोग ये नहीं करते, और जब आप इस तरह करते रहते हैं तो आपके जो सर्कल होता है इर्द गिर्द, उनको अवेयरनेस आना शुरू हो जाती है कि ये बंदा ये काम करता है। तो कहीं से भी उनको जब कोई अपॉर्चुनिटी नजर आती है तो वो डायरेक्टली आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आ जाती है। तो अपने काम को छुपाएं नहीं इस डर से कि आपको काम आता नहीं है, या अभी आप स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। जितना भी आता है, सिंगल लाइन का कोड भी अगर आपको आता है, एक सिंपल सा बैनर डिजाइन कर सकते हैं फोटोशॉप के अंदर, उसको पब्लिश करें, अपनी प्रोफाइल्स बनाएं ऑनलाइन। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उन वेबसाइट्स का ऐड कर दूं लिंक, जिनमें मैं समझता हूं आपकी एक अच्छी प्रोफाइल बन सकती है, जहां से आप एक अच्छा आगाज कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।